हेलो माय यूट्यूब फैमिली आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मेरा फेवरेट होममेड मैजिकल फेस मास्क बड़े आराम से हम घर में बनाने वाले हैं और सीखेंगे कैसे बन सकती है ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन एवरी वन दिस इज गार्गी वंस अगेन वेरी वेरी वो वेलकम इन योअर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है ब्यूटी एंड फिटनेस हंट्रा विथ गार्गी सो गाइज जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा फेवरेट वीकली जो मैं यूज करती हूँ आयुर्वेदिक मैजिकल फेस पैक एंड आज मैंने वही यूज किया था एज यू कैन सी मुझे मेकअप करने की ना आज बिल्कुल इच्छा हुई एंड एज यू कैन सी ना मुझे कोई जरूरत फील हो रही है हफ्ते में एक बार संडे की संडे या जब भी मुझे टाइम मिलता है वंस अ वीक मैं डेफिनेटली ये फेस पैक यूज करती हूँ दैट्स वाई टूडे इज एब्सोल्यूटली नो मेकअप डे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो फेस पैक है आपके साथ शेयर किया जाए एंड येस yes, अगर पहली बार इस चेहरे को देख रहे हैं मेरा नाम है गार्गी आई मेक कॉन्टेंट ऑन पैशन लाइफ फिटनेस स्किन केयर रूटीन तो अगर अब तक मेरी यूट्यूब फैमिली को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इस परिवार को ढेर सारी मस्ती करेंगे धेर सारी गपशप करेंगे। बताया ट्राई दिस नो हम महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते हैं विच इज ग्रेट लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महंगी चीज अच्छी हो या घरेलू जो नो you know, आइडियाज होते हैं घरेलू जो टिप्स होती हैं वो खराब हो आई डिस कई बार हमें किचन में हमारे जो यू you नो know, फैमिली में मम्मी नानी दादी से जो चीज़ें पास ऑन होती हुई आ रही हैं अगर वो हम नेचुरली अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं तो एक नेचुरल ग्लो आता है और आज का जो फेस पैक है वो तो हम सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे आपके फेस की टैनिंग हटेगी इसके आपके जो फेस पे डार्क सर्कल्स हैं स्पॉट्स हो जाते हैं पिगमेंटेशन झाइया आ जाती हैं धूप से वो काफ़ी हद तक ठीक होगा एंड एक बहुत ही अच्छा स्टार इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपकी स्किन में ब्राइटनिंग आएगी जो आप हमेशा बोलते हैं ना स्किन डल है महंगे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, कोई सिंपल सी टिप बताइए उस चीज पे ये बहुत काम करेगी मैं हफ्ते में एक बार यूज करती हूं आप चाहें तो वीक में दो बार भी यूज कर सकते हैं बट यू कैन सी द रिजल्ट आई एब्सोल्यूटली लव इट सो बिना कोई खर्चे के हमारी मम्मी नानी दादी जो हमसे बहुत ज्यादा सुंदर है वो नुस्खा आज हम ट्राई करते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट यू आर ऑलरेडी सीइंग द रिजल्ट तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ओके गाइस तो शुरू करते हैं आयुर्वेदिक फेशियल मास्क बनाना सबसे पहले मैं यहां यूज कर रही हूं मसूर दाल का पाउडर बड़े आराम से आपको अपनी किचन में मिल जाएगा उसके बाद मैं यहां यूज करूंगी ग्रैंड फ्लोर यानी कि वन टीस्पून ऑफ बेसन ये भी बड़े आराम से आपको अपनी किचन में मिल जाएगा नेचुरल क्लेंजर का काम करता है देन द थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ रॉ हनी यहां पे जो शहद मैं यूज कर रही हूँ वो है सफ़ा ब्रांड का बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में होता है इसमें कोई मिलावट नहीं होती है रॉ फॉर्म में होता है इट डीपली हाइड्रेट्स योर स्किन फाइनली आई विल बी यूजिंग थ्री टी ऑफ कर्ड यानी कि दही अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है तो आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दही अच्छा खासा सूट होता है तो आई विल बी यूजिंग कर्ड एंड फाइनल इनग्रीडियंट इज टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसका स्टार इंग्रेडिएंट मैंने मसूर दाल इसलिए बोला है बिकॉज मसूर दाल इज़ एक्सट्रीमली रिच इन एंटी जो आपकी स्किन को टाइट करती है आपकी आँखों के आसपास अगर रिंकल्स हैं फाइन लाइन्स हैं या यू नो नेक के आसपास में रिंकल्स आ रहे हैं उसको टाइट करती है और ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को लाइट करती है ब्राइट करती है इट रिमूव स्टैन एंड अमेजिंग इन्ग्रीडियंट है तो आप डेफिनेटली मैं कि इस फेस पैक का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो मसूर दाल ही है ये अगर आप हफ्ते में एक बार यूज़ करते हैं यू विल लुक तो हमारा फेस पैक तैयार है अभी अभी मैंने फेस वॉश किया है कभी भी गंदे फेस पे कोई भी क्रीम कोई भी फेस मास्क नहीं लगाना चाहिए मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर देती हूं तो अभी अभी मैं फेस वॉश करके आई हूं फेस साफ है अब मैं लगा रही हूं हमारा मैजिकल आयुर्वेदिक फेस मास्क ये आपके सन टैन को तो रिमूव करेगा ही करेगा लेकिन मसूर दाल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इट इज एक्सट्रीमली रिच इन वाइटमिन मिनरल्स एंड इवन प्रोटीन तो आपका जो कोलेजन विद एज कम होता है उस कोलेजन को बूस्ट करता है और अगर आप इसकी यू you नो know, तीन से पांच मिनट तक हल्की हल्की मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है एंड क्योंकि हमने इसमें बेसन भी ऐड किया है इट वर्कस एज अ नेचुरल क्लेंजर तो आपके चेहरे की जो भी इम्प्योरिटीज हैं डर्ट है डार्क स्पॉट्स हैं वो दूर होंगे थोड़ा थोड़ा मैं यू नो बहुत ही हल्के हाथ से अंडर आइज पे भी करती हूं चिन के आसपास नोज के पास जो थोड़े ब्लैकेट हो जाते हैं वो रिमूव होते हैं आई विल कीप इट फॉर टेन मिनट्स दस मिनट हो गए थे तो मैंने फेस पैक को यू नो नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया ओवर ड्राई नहीं करना है कोई भी फ़ेस मास्क को उससे रिंकल ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा जब आपको लगे कि यू नो सेवेंटी परसेंट ड्राई हो गया है तो उसके बाद आप वॉश कर लीजिए एंड लुक एट दिस नेचुरल ग्लो बहुत ही प्यारा ग्लो आया है देखा कितना सिंपल है ये मैजिकल आयुर्वेदिक फेस पैक बनाना एक भी चीज आपको बाहर से नहीं खरीदनी है सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बड़े आराम से किचन में मिल जाएंगे एंड एंड थोड़ा सा फेस पैक बचा है दिस माय मदर विल यूज यू यू कैन सी द इफेक्ट नो दैट्स आज के के वीडियो लिए मुझे मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं था इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट ग्लो थोड़ी स्किन टैन हो जाती है झाइया है सारी चीजें दूर हो जाएंगी आपने देखा मैंने कर्ड यूज किया है मैंने इसमें टोमेटो की प्यूरी यूज की है मैंने इसमें मेरा फेवरेट हनी यूज किया है जो आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेशन देता है मॉइस्चराइज करता है मेरा फेवरेट ब्रांड सफा है यू कैन यूज एनी ब्रांड बाय आई पर्सनली लव सफा क्योंकि बहुत थिक होता है और बहुत यू नो इट्स अ वेरी रियल रॉ हनी सो आई लव यूजिंग सफा हनी एंड यस और साथ ही साथ मैंने यूज किया है मसूर की दाल जो आपकी स्किन में रिंकल्स है वो दूर होते हैं आपकी स्किन टाइट होती है आपको एक नेचुरल फेस लिफ्ट मिलता है एंड ऑफकोर्स बेसन तो बेसन तो हम सब जानते हैं कि सब किचन में अवेलेबल होता है और उसके क्या यूज है मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ग्लो आया है एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो यूजफुल लगा हो तो प्लीज ये फेस पैक घर पे ट्राई करिए अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिए इंस्टाग्राम पे डीएम करिए अपनी पिक्चर्स शेयर करिए आई विल डेफिनेटली रिपोर्ट इन माई स्टोरीज अगर अब तक मेरे इंस्टाग्राम फैम को आप नहीं फॉलो कर रहे देन डू फॉलो मी एट इंस्टाग्राम गार्गी शर्मा टू नाइनटी एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आई विल सी यू सुपर सुपर सुन टिलन एज आई ऑलवेज से स्टे हैपी स्टे ब